हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल द फूड हीलर। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही इजी और टेस्टी डिश जिसका नाम है बेसन का चीला। इसे बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और बहुत जल्दी बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बाउल में एक कटोरी बेसन लेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक और लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर। ये आपको कितना स्पाइसी रखना है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। बच्चों को अगर आप दे रहे होंगे तो इसको लाल मिर्च बहुत कम डालें या स्किप भी आप कर सकते हैं। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, ज़्यादा कम। और हरा धनिया, ये सब डालने के बाद अब इसमें पानी डालकर हम इसको पहले ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें पानी डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे। धीरे धीरे पानी डालकर आपको इसको मिक्स करना है। बहुत पतला या बहुत ज़्यादा इसको थिक भी नहीं रखना है, मीडियम इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। बीच में बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए बेसन के, और इस तरह से ये फ्लोइंग इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप इसे कंसिस्टेंसी को आप एडजस्ट कर ले। अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत पतला हो गया है तो उसमें और बेसन डाल के आप इसको थिक कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये फ्लो होना चाहिए, तभी ये चीला एकदम परफेक्ट बनेगा। इसको इस तरह से सब मिक्स करके इसका ये बैटर बना के हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब तवे को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और उस पर फिर इस बैटर को डालेंगे। आप चाहे तो नॉनस्टिक पैन भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। कटोरी से या चम्मच की हेल्प से आप इस पर डाल सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी ना प्रैक्टिस की ज़रूरत है ये डालते टाइम पे। स्टार्टिंग में हो सकता है ये टूट जाए, आपसे ऐसे गोल ना बने, पर एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद ये आसानी से बन जाता है। इसको डालकर चारों तरफ से अच्छे से फैला ले। बहुत मोटा नहीं रहना चाहिए, तो कई बार ऐसे होता है कि हम साइड्स पतली कर लेते, बीच में मोटा रह जाता है। एग्जैक्ट अगर गोल ना भी बने तब भी कोई बात नहीं, इसको डालकर अच्छी तरह से सेक ले। इसके चारों तरफ से थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए अब इसको साइड से हल्के से उठाकर चेक कर ले आप कि ये सिका है या नहीं ठीक से। अगर ये इतनी आसानी से उठ जा रहा है इसका मतलब ये नीचे से सिक चुका है। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ी देर वेट करें, नहीं तो ये टूट जाएगा। इसके बाद इसको टर्न कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से हम टर्न कर लेंगे। बहुत ध्यान से इसको करना है। देखिए कितने अच्छे से सिक गया है ये। दोबारा से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे साइड से। तो लीजिए तैयार है हमारा ये बेसन का चीला। इसे आप चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे ऐसे ही खाते हैं तब भी उतना ही टेस्टी लगेगा। तो ये बहुत ही एक हेल्दी और बहुत ही आसानी से बनने वाली एक डिश है। इसे आप अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड एन्जॉय।